Turn on your cameras, everybody. Any questions you have for the last class? No, ma'am. किसी को भी कोई क्वेश्चन है पूछना है पूछो। नए बच्चे जो है न्यू एडमिशन है अगर पूछना है तो पूछिए। ऑल राइट देन वी आर रीडिंग द नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन। ये पोएट्री है लव बाय जॉर्ज हर्बर्ट। समबडी रीड। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। लव जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट बॉर्न April 3, 1593 डाइड March 1, 1633 बेमॉर्टन विल्टशायर इंग्लैंड। इंग्लिश पोएट रिलीजियस पोएट मेजर मेटाफिजिकल पोएट नोटेबल फॉर द प्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स डिस्पाइट लिविंग फॉर ओनली 14। प्लीज एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। एक्सप्लेन जॉर्ज हर्बर्ट 3 अप्रैल ने को बॉर्न के मतलब जन्म लिए थे 1593 में वेल्स में और कासल का नाम था मोंटगोमेरी और मर गए थे 1 मार्च 1633 में इंग्लैंड में। एक ऐसे पोइट थे जो रिलीजन को लेकर ज्यादा कविता लिखते थे। एक मेटाफिजिक्स पोइट थे मैम। इसका मतलब क्या होता है मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गॉड से कनेक्टिविटी रखना वो सब। रिलीजियस और मेटाफिजिकल मतलब दोनों एक ही चीज होता है। हाँ, एक रिलीजन मतलब होता है धर्म को मानने वाले। एक नोइंग दी नोइंग ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड। और ज्यादातर जाने जाते थे अपने वर्ड्स को लेके जिनसे उनका प्योरिटी और इफेक्टिवनेस दिखता था। डिस्पाइट लिविंग फॉर ओनली 40 इयर्स हिज स्टॉक एज अ पोएट हैज राइजन एंड राइजन Remarkably, none of his work was he expressed his thought that he had nothing to present to God but sin and misery. But said he, the first is pardoned, and a few hours will put a period to the second. The temple, his collection of poetries were published posthumously. 40 साल। What do you understand by the word posthumously? मतलब कोई एनोमिसली पोस्ट कर दिया था उसको पता नहीं कौन किया था पर कोई नहीं, पोस्ट नहीं 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 पोस्टह्यूमसली का मतलब होता मरने के बाद पब्लिश हुआ था। जो वर्ड समझ में नहीं आता उसको अपने मन से कोई मन कोई मत मत करिए। हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। ठीक है ओके। 40 साल जिंदा रहने के बावजूद उनका जो पोएट जो कविताएं थी वो हमेशा बढ़ते चली गई उनका स्टॉक जो था। लेकिन उनका एक भी वर्क उनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ। और जब वो अपने जब वो मर रहे थे उस दिन उन्होंने कहा कि उसके उनके पास कुछ भी नहीं है नथिंग टू प्रेजेंट टू गॉड बट सिन एंड मिजरी। और जब वो जिस दिन वो मर रहे थे उन्होंने ये कहा मेरे पास गॉड को देने के लिए कुछ भी नहीं है बस मेरे जो पाप है मेरे साथ और तो जो दुख दुख है वो
दुख और मिजरी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, और जो पर मैं जो और पाप पाप, है हाँ वो माफ कर दिया जाएगा, कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। उनका एक बुक का कलेक्शन है, पोएट का कलेक्शन है, पोएट्रीज का, जिसका नाम है द टेम्पल। वो उनके मरने के बाद पब्लिश किया गया था। मैम अब पोएम पढ़े। हाँ पढ़िए। लव लव बेड मी वेलकम, येट माई सोल डू यू बैक। एक एक लाइन की मतलब बताइए आप। मैम सबका मतलब बताना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे लव कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये एक वार्तालाप है, दिस इज मैं डिस्कशन करती हूँ। लव जो पोएट्री है ये एक, इसका थीम है कनेक्शन विद गॉड। वार्तालाप कर रहे, कॉन्वर्सेशन कर रहे, वो गॉड से बात कर रहे, और ये कह रहे पहले पहले ही पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि गॉड मुझे बुला रहे लेकिन मैं नहीं जा पा रहा। पूरी कहानी मैं हिंदी बता देती हूँ फिर आप पढ़ेंगे। सो ईश्वर मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रहा, मैं पीछे हट रहा हूँ, इसलिए कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैं ईश्वर के पास जाने के लायक नहीं, और इसलिए वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन भगवान को समझाते हैं कि तुमने कोई पाप नहीं किया है और तुम बिल्कुल इस लायक हो कि तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन बार बार ये बहस करते हैं, बार बार ये बहस करते हैं कि मैं किसी भी तरह के लायक नहीं हूँ, और जो जिंदगी मुझे मिली है उसको भी मैंने बर्बाद कर दिया है, तो मैं तो आपको आपकी तरफ देखने लायक भी नहीं हूँ। तो फिर भगवान समझाते हैं कि तुमको जो जो भी तुम हो, तुम मेरे बनाए हो, और जो भी तुम कर रहे हो वो एक इंसान जो गलतियों का पुतला होता है वो एक इंसान कर रहा है, और बाद में ईश्वर बताते हैं कि तुम सबके पाप तो मैं लेके चला गया था, तो फिर तुम सबके पाप को माफ कर दिया था, तुम तो दोषी हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल आ सकते हो। या गॉड को बनाया गया है एक मदर की तरह, वो जो मदर घर में रहती है, खाना बनाती है, बच्चों के लिए वेट करती है, वैसे ईश्वर भी एक मदर की तरह है जो कि तुम चाहे कितने भी कुछ भी कर लो तुमको निकालेंगे नहीं, और तुमको हमेशा वेलकम करेंगे, और किसी तरह से बाद में वो कन्विंस हो जाते हैं और ईश्वर के बताए रास्ते पे चलने को तैयार हो जाते हैं। बस यही कहानी है। Eat my meat. हाँ, मतलब मेरे बताए जिंदगी को ग्रहण करो। चलो पढ़ लो इसको, मैंने हिंदी में समझा दिया है, पढ़ लो। लव बेड मी वेलकम येट माई यहाँ सोल पर लव का नाम, ईश्वर का नाम लव दे दिया गया। यस मैम, भगवान को एक नाम दिया गया। ऑथर ने कहा कि इससे बेहतर नाम क्या हो सकता है, तो ईश्वर को उन्होंने एक नाम दे दिया और वो नाम है लव। तो लव बेड मी वेलकम, गॉड इज कॉलिंग मी, गॉड कॉल्ड मी, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा जो आत्मा है वो वापस आ जाता है। वापस नहीं, बिल्ड ऑफ डस्ट एंड से पीछे जा रहा है, आगे बढ़ने के बजाय पीछे ड्रॉइंग जा बैक। रहा है। बट क्यूक आईड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक फ्रॉम माय व्हाट इज द फर्स्ट सेकंड लाइन, ही डिड नॉट रीड द सेकंड लाइन। मैम पढ़े थे उसको, गिल्टी उसका ऑफ मतलब डस्ट बताइए, एंड सिन, मतलब बताइए वो क्यों नहीं आगे बढ़ अभिनय रहा का है, जो पाप है उसके आगे कारण, वो क्यों नहीं बढ़, उसके कारण गिल्ट के कारण और उसके पापों के कारण। कौन सा गिल्ट, गिल्ट ऑफ डस्ट मिस्टेक्स और जो भी वो अनकाइंड थिंग्स किए हैं उसको लेकर। तो क्या वो अपने सिन के बारे में बात करें कि इंसान पूरे इंसानी जाति के पापों के बारे में बात करें, के बारे में बोल रहे हैं। हाँ चलो पढ़ो।
बट क्विक आइड लव और क्या मतलब होता है क्विक आइड लव? क्विक आइड मतलब मैं ये बहुत तेज नजरों से जो लव जो गॉड है वो देख रहे हैं, वो देख लेते, वो समझ लेते मेरे बोलने के पहले, उनको मालूम हो जाता है। Observing me grow slack from my first entrance in. What is the meaning of this? मतलब मेरे अंदर आते ही वो अपनी तेज नजरों से मुझे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अंदर कहाँ आ रहे हैं, मतलब वो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो उनको समझ में बात आ जाती है और वो बोलते हैं, वो देख लेते हैं, भांप लेते हैं वो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। Drew near to me, sweetly questioning if I lack him, और बहुत ही प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब सवाल करते हैं क्या कुछ है जिससे कुछ ऐसा है जिससे मैं लैग्ड हूँ, मतलब मेरे पास नहीं है जो तुम हिचकिचा रहे हो। तो ये चार लाइन का मतलब हिंदी में फिर से बता रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं गॉड मुझे बुला है लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़े, पीछे हट गए, लेकिन ईश्वर भांप तुरंत भांप लिया है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और इस बात को समझते वो मेरे पास बहुत प्यार से आते हैं और पूछते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्या कमी है जो तुम पीछे रह जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आगे आ रहे हो। बस इस लाइन का इतना ही मतलब है। आगे बढ़िए, तो क्यों नहीं तुम आ रहे हो, यहाँ पर गॉड पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज द राइटर्स और व्हाट इज द ऑथर्स रिप्लाई, पढ़िए। अ गेस्ट आई आंसर्ड वर्दी टू बी हियर, लव सेड यू शैल बी ही। ये दो लाइन का मतलब बताइए। मतलब मैं एक मेहमान यहाँ पे आने, ऑथर कहता है, पोएट कहता है, अब जो गॉड है लव वो कहते हैं कि तुम वो बन जाओगे, मतलब वो इंसान जो यहाँ आने लायक वर्दी हो जाएगा, लायक रहेगा। तो बोलते हैं कि मैं एक गेस्ट हूँ जो यहाँ के लायक नहीं है, तो गॉड क्या बोलते हैं कि तुम वही हो जैसा तुम बन जाओगे, तुम्हें बनाया गया है, तुम वर्दी बन, तुम वर्दी हो, तुम ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं हो। और फिर क्या बोलते हैं, द अनकाइंड अनग्रेटफुल आह माय डियर आई कैनॉट लुक ऑन दी। ऑथर क्या बोलते हैं, पोएट बोलते हैं मैम कि मैं जो अनग्रेटफुल हूँ, मतलब जो अनग्रेटफुल का मतलब होता है तुमने मेरे लिए इतना किया मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, हाँ अनग्रेटफुल हुआ ना जो मतलब मैं तो हाँ। वो बोलते हैं कि माय डियर तुम मेरे बहुत करीब हो और लेकिन मैं तो तुमको देख भी नहीं सकता, आई कैनॉट इवन लुक एट यू, तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपको आपकी तरफ देखूं। लव टुक माय हैंड एंड स्माइलिंगली डिड रिप्लाई हु मेड द आईज बट आई। और इसके बाद क्या होता है, गॉड क्या करते हैं, ये बड़े प्यार से मेरे हाथ को पकड़ा और बहुत ही स्माइलिंगली कहा, रिप्लाई दिया कि आंखों को किसने बनाया, पर मैंने तुमने कहा कि आई कैन नॉट लुक एट यू, फिर ईश्वर क्या कह रहे हैं, गॉड क्या कह रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी आंखें बनाई किसने, किसने दी तुम्हारी आंखें। Truth, Lord, but I have married them. Let my shame go where it doth deserve. तो फिर ये कहते कि ठीक है तुमने मुझे आंखें दी हैं, लेकिन फिर मैंने क्या किया है, मैंने उसको स्पॉइल कर दिया है, yes, ma'am. डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार मतलब कि बर्बाद कर दिया है। और मुझे मेरे शेम कहते कि लेट माय शेम, मतलब मुझे वहीं भेजिए जहां के मैं लायक, जहां मैं सही बात है कि तुमने मुझे यू हैव गिवन मी माय आईज बट मैंने आंखों से क्या किया,
लेट माई शेम गो वेयर इट डिजर्व, तो जहाँ के मैं लायक हूँ मुझे वहीं भेज दीजिए. मतलब हेवन के लायक तो नहीं हूँ, मुझे क्या कहाँ भेज दीजिए, डायरेक्ट में भेज दीजिए. And know you not, say love. भाई ये बार बार देखिए ये बहस की तरह हो रहा है और फिर ये बोलता है और फिर जब वो बोलते हैं कि मुझे वहीं भेज दीजिए जहाँ के मैं लायक हूँ, तो फिर गॉड बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है. एंड नो, तुम इस बात को जानो कि तुम वैसे नहीं हो, says love. किसने तुम्हारा ब्लेम ले लिया था फिर? तो कोई गुरु होते हैं ना, तो गुरु अपने शिष्यों का पूरा ब्लेम ले लेता है कि पाप ले लेता है, कि दुख ले लेता है. तो वो एज अ क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड और वो लोगों के क्रिश्चियंस के सारे पाप को उन्होंने ले लिया था. जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन सबकी माफी करवा करके वो इस दुनिया को छोड़े थे. तो बोले मैं तो तुम लोग सबको माफ करवा दिया था, तो फिर ये पाप और सिन की कुछ कोई बात यहाँ पर है नहीं. मैं माफ कौन को ये किया था? जीसस क्राइस्ट ने जब उनको सूली पर लटकाया गया था तो मरने के पहले उन्होंने कहा था कि प्लीज लॉर्ड फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. तो सारे लोग जो उनके खिलाफ थे और जो जिन लोगों ने उनको सूली पर लटकाया था, तो उन सबको माफ करवा करके मरने के पहले वो सबको माफ करवा. तो उसी वक्त का जिक्र यहाँ पर है कि वो तो सारे पाप तो ब्लेम तो सबको माफी मिल चुकी थी, तो फिर अभी किस बात की बात. और इस बात से वो कन्विंस्ड हो जाते हैं ऑर्थर और उनके घर में आ जाते हैं और वो बैठ के कन्विंस हो जाओ, मतलब कि उनकी बात को मान लो. पढ़िए. एंड नो यू नॉट से लव हु बोर द ब्लेम माय डियर देन आई विल सर्व यू मस्ट सिट डाउन से लव एंड टेस्ट माय मीट. इसका मतलब क्या हुआ? कि तो तुम भूल गए कि सारा ब्लेम तुम लोगों का पाप तो मैंने अपने ऊपर ले मैं चला गया था, तो फिर मैं तुम्हें जो जिंदगी दूंगा, देन आई विल सर्व, इट मींस देन आई विल गिव यू द लाइफ व्हिच आई वांट यू टू लिव, सो यू मस्ट सिट डाउन. और फिर तुम इस लाइफ को तुम एक्सेप्ट करो, जो लाइफ तुमको मिल रही है वो लाइफ जो कि तुम्हें गिल्ट फीलिंग के बिना रहो, कि एक पाप बोझ से तुम मुक्त हो जाओ कि तुम पापी हो, तुमने गुनाह किया है, उससे तुम ऊपर उठ जाओ. यू मस्ट सिट डाउन एंड यू मस्ट एक्सेप्ट द लाइफ which I am giving you. So live the way I want you to live. And taste my meat ka matlab nahi hua ki mere meat ko kha lo. Nahin. Sahi hai. The life which I am giving you, nahin. Live that life. Usko jeene ke liye. And then the author says, so I did sit and eat. Matlab, and then the author is convinced ki main is layak hu. ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने को मैं तैयार हूँ. चलिए पढ़िए. मैम एक क्वेश्चन है. लॉर्ड जीसस अब मरने से पहले बोले थे कि गॉड प्लीज फॉरगिव देम दे डोंट नो, तो वो कौन से लॉर्ड को बोले थे? वो अपने फादर ऑलमाइटी. जीसस क्राइस्ट केम एज अ ह्यूमन बीइंग. उन्होंने धरती पे वो आए, लोगों को रास्ता दिखाए, he became the, he served and he died. अवतार एक थे, गॉड को बोलते वो फादर बोलते थे. तो जब उनको लोगों ने कहा कि ये भगवान ही है अगर अपने को बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान, लेकिन उनके हाथ से बहुत मिरेकल्स हुए, जैसे बहुत लोग अंधे हैं वो ठीक हो गए, तो बहुत कुछ उन्होंने किया है. तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अपने को भगवान समझने लगे हैं, तो फिर इनको सूली पर लटकाते हैं, तो अगर भगवान ही है तो क्यों बच के दिखाइए, अपने आप बचा के दिखाइए. तो फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है वो इंसान के रूप में आए थे इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है तुम्हारी इसी में मर्जी है तो यही सही. और फिर जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा था इनको माफ कर दीजिए, इनको पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं किसको कर रहे हैं.
अब उन्होंने कहा कि तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा, तीसरे दिन आई विल कम बिकम अलाइव, मरने के बाद। हाँ। और तीसरे दिन जो गुड फ्राइडे कहा जाता है, जो आपका भी ईस्टर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जिंदा हो गए थे। वो दिन है जब वो 3 दिन के बाद वो वापस आए थे और जिंदा हो गए थे, और इसलिए जैसा कि सम्मान लिया भगवान जैसा कि के। उन्होंने कहा। और इसी खुशी में ईस्टर मनाई जाती है। गुड फ्राइडे समझते हैं आप लोग ना, गुड फ्राइडे। यस मैम, गुड फ्राइडे समझते हैं। यस, तो इसी बात की सेलिब्रेशन है। जीसस क्राइस्ट केम बैक टू लाइफ, इसको बोला जाता है रिजरेक्शन, फिर से जिंदगी वापस। चलिए रीड रीड द फर्स्ट आंसर समबडी। ओवर टू यू। Yes, who's reading? कौन पढ़ रहा है भाई? थोड़ा सा हो गया मैम। पढ़िए ना द फर्स्ट आंसर। रोल नंबर 38। एक्चुअली देयर इज नॉइज by sounding and that's why I'm not ready. Roll number 4. Ma'am, हम ही पढ़ लेते हैं। एक मिनट। Ma'am, हम ही पढ़ दें। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। नहीं आप पढ़िए, क्या नाम है इनका, कुंदन कुमार, वाल वाल 125 पढ़िए आप। ये क्या तरीका है चुपचाप बैठे हुए? रीड कहाँ से पढ़ना? The first stanza describes how the another is called by love, but he feels guilty and wants to refuse love's invasion. Observer his hesitation instead of blaming or ऐसे पढ़िएगा। किताब कितने दिन पहले आप लोगों को शेयर किया गया है? मैम किताब नहीं दिया गया हम लोगों को, कंटेंट शेयर किया हुआ है ना, कंटेंट शेयर किया हुआ है ना, कंटेंट शेयर किया हुआ है ना ग्रुप में। आप कौन है? प्रिया कुमारी, 42 पढ़िए। यस मैम पढ़िए। हेलो यस रीड मैम द फर्स्ट यहाँ से हाँ द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स बट ही फील्स गिल्टी एंड वांट्स टू रिफ्यूज लव्स इनविटेशन लव ऑब्जर्व्स हिज हेजिटेशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग द पोएट Love asks him whether he needs something. The second stanza presents a debate. The author tells Love that he lacks the worthiness to be in front of him. Love replies that
he or she should be there. He continues to talk of his ungratefulness and his unworthiness. But love reaches the poet, telling him once again that he is worthy of his presence. And that the conversation between the poet and love is more dynamic as the debate on whether the lyrical voice is worthy of love's presence. The tones gentle as the lyrical voice accepts words. God in the form of love is presented as a forgiving. The dialogic form of the stanza and of the entire poem has a regular pace constructed by the question and answer form. The interaction between the lyrical voice is highlighted by simplicity in the words used. पढ़िए मैम, हो गया कहाँ तक? हो गया मैम, हाइलाइटेड बाय सिंपलिसिटी इन द वर्ड्स यूज्ड। आप इतना जो पढ़ गए फर्स्ट से लेकर लास्ट वर्ड तक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है मैम? सेकंड स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में ऑथर, पहले आप फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करिए। पहले स्टैंजा में क्या हुआ? फर्स्ट स्टैंजा में ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि लव बट ही फील्स गिल्टी एंड वांट्स टू रिफ्यूज। ऑथर बोलते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि एक्सेप्टेशन स्वीकार कर सकूं। लव को गिल्टी फील होता है। लव ऑब्जर्व जब कोई इंसान बुलाता है, यहाँ पर तो ईश्वर बुला रहे हैं ना, गॉड इनवाइट कर रहे हैं और बंदा नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने गलत काम किया, मैंने पाप किया, मैं इस लायक नहीं। तो गॉड उसको डांटते नहीं है, उसकी आलोचना नहीं करते हैं, उसको उसको इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, लेकिन उसको प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। ये तो इतना तो है तो फर्स्ट स्टैंजा। चलिए सेकंड स्टैंजा पर पढ़िए। The second stanza presents a debate. The author tells love that he lacks the worthiness to be in front of him. यानी कि second stanza में वो एक debate present करते हैं। Author बताते हैं love that he lacks the worthiness. कि मैं इस लायक नहीं हूँ। यानी कि अब author बोल रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके सामने मैं आपको देखने के लायक भी नहीं। यस वेरी गुड, ठीक है। ही और सी शुड बी देयर। ही कंटिन्यूज टू टॉक ऑफ हिज अनग्रेटफुलनेस। वो अपनी अनग्रेटफुलनेस को लगातार उनको प्रेजेंट दिखाते हैं कि वो इस लायक नहीं है कि वो लव के सामने प्रेजेंट हो सके। बट लव जो है वो पोएट को बताते हैं कि वेरी गुड, अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। चलिए थर्ड स्टैंजा। इन दिस स्टैंजा द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड लव इज मोर डायनामिक एज दे डिबेट ऑन वेदर द लिरिकल वॉइस इज वर्थी ऑफ लव प्रेजेंस। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट और लव के बीच डायनामिक डिबेट हो रही है कि कौन कितना लायक है, कौन लायक नहीं है। यस मैम। द टोन शिफ्ट, टोन माइल्ड है और वो जेंटल
एज द लिरिकल वॉइस एक्सेप्ट लव्स वर्ड्स. लिरिकल वॉइस का मतलब होता है ऑथर. यस मैम. लिरिकल वॉइस का मतलब है द ऑथर एक्सेप्ट्स लव्स इनविटेशन, और उनकी बात को वो पर सहमत हो जाता है और ईश्वर की बताई बनाई हुई दुनिया को ग्रहण करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है. ये इतना ही है लव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. और छोटी सी पोएट्री है समझने के लिए, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी. चलिए मैम इसको रीड करें. हाँ पढ़ो. द थर्ड स्टैंजा प्रेजेंट्स द लास्ट पार्ट एंड द एंड ऑफ द डायलॉग बिटवीन लव. यानी कि थर्ड स्टैंजा लव और पोएट के बीच लास्ट पार्ट, उनके लास्ट पार्ट एंड द एंड ऑफ द डायलॉग बिटवीन लव. लव और पोएट के बीच के अंतिम पार्ट को प्रेजेंट बिकॉज ही और सी हैव मेट हिज वंस अगेन. ऑथर जो है वो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं क्योंकि हिज वंस अगेन द लिरिकल वॉइस फील्स गिल्टी सिनफुल एंड वर्थी ऑफ लव्स प्रेजेंस एंड वर्ड्स. यानी कि पोएट एक बार फिर से लिरिकल वॉइस वो अपने आप को गिल्टी सिनफुल और वर्थी ऑफ लव प्रेजेंस एंड वर्ड. यानी कि वो एक बार फिर से बोलते हैं कि वो इस लायक नहीं है. ठीक है. लव विल एंड द लिरिकल वॉइस एम्फसाइजेस हिज ड्यूटी टू लव एंड गॉड एंड सेज दैट ही विल सर्व. और लव बोलते हैं कि लव उनको बुलाते हैं और उनको सर्व करने के लिए जो मिट था. Finally, Love says that the lyrical voice must taste his meat and the lyrical voice finishes the stanza by saying that he did. अंत में लव पोएट को वो मीट टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उसको फिनिश करने के लिए बोलते हैं. The lyrical voice overcomes his feelings of guilt and his nerves and accepts the gentle words of love. और पोएट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. Now the questions. Question number one. Why is the author afraid? Hello? Ma'am. ऑथर इस बात से लव से बोलते हैं कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं सिनफुल हूँ, मैं वर्थी लेस हूँ, इसलिए वो डर जाते हैं, वो उनके मीट को स्वीकार नहीं करते हैं. ठीक है. और बाकी कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? व्हाट इज द पोएम, व्हाट इज द पोएम लव अबाउट? ये पोएम किस किस बारे में है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम? The love poem is about the conversation between the God and the author. This is the mystics that is created by the human beings, and the God is going to what take the blame of that things on his head. How does love convince the author? Love convinces the author by saying that. That the eyes, the hand that I given to you is all because of me. Then if you do any mistakes, then the mistakes are go come at my head. So and even the gods presented the example when he was brutal. All the mistakes on his head. So finally the author is ready to. You are the meat that is given by the God. That's all. What is the author guilty about?
author is guilty about his mistakes, and the mistakes that is also by the made by the human beings. Even the author has think that is not able to go there because he has what some dust and shingles that is wrong in the eye of God. So that's why he is feeling guilty. Summarize the poem Love. What is the story about? चलिए और कोई बोलिए. Anybody summarize the poem? अभी बताया गया है, अभी आप बोल देने तो भूल जाएंगे आप. Again, मैं बोलूं. Okay, मैं वो बात करती हूँ. The poem. नहीं नहीं. Roll number 113. मुझे कोई पूछा जा रहा है ना. यस मैम. तुम 5 मिनट तुम रुक चुप रहो फिर तू यस मैम बोलोगे. आर यू स्टूडेंट और समथिंग और व्हाट? सॉरी मैम. समराइज द पोएम. से कुछ कहा जा रहा है ना. आज क्या पढ़ाई हुई है? लॉ पोएम के बारे में. हाँ, इस बारे में क्या क्या जानते हो?
कुछ नहीं जानते उसके बारे में, क्लास में थे कि नहीं पता नहीं। मैम क्लास में तो थे बट समझे नहीं। क्यों? तो चाइनीज में भाषा में नहीं कही जा रही थी, हिंदी में बात की जा रही थी। यस मैम। तुम पढ़ो फिर से इसको, पढ़ो चलो पढ़ो, मतलब तो पढ़ो इसको। शुरू से मैम लॉक। चलिए वो लड़की पर बताइए थोड़ा, तभी वो हिंदी में बताई थी। The first stanza describes how to utter is called by love, but he feels guilty and wants to refuse. Love invitation. Love observes his hesitation instead of blaming or criticizing the poet. पहले स्टेंजा में ऑथर बता रहे हैं कि लव गिल्टी एंड वांट्स रिफ्यूज, किस तरह से हेजिटेशन और क्रिटिसाइज करता है पोएट को। कौन क्रिटिसाइज कर रहा पोएट को? ऑथर। पोएट कौन है? आस्क पोएट कौन है? वो ऑथर ही है ना, और लव उनका भगवान गॉड। तो कौन किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? ऑथर कर रहे हैं। ऑथर भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं मैम, लव कर रहे हैं ऑथर। लव आस्क हिम वेदर ही नीड्स समथिंग, द पोएट हैज अ गिल्टी एंड नॉट अ फर्स्ट वन। आप इसको पूरा पढ़ के सुनाइएगा पूरे अगले क्लास में। ओके मैम। कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, आप पढ़िए तीन चार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ओके बट मैम इसका था मतलब बताइए मैम। फिर बता रही, वो लड़की ही तुमको बताएगी फिर अभी। यस प्रिया कुमारी बताइए इनको, आप बता चुके हैं फिर बताइए एक बार। आप लोग अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यहाँ पे है लव लव्स इनविटेशन, लव ऑब्जर्व्स हिज हेजिटेशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग द पोएट। लव का इनविटेशन, लव ऑब्जर्व करते हैं हिज पोएट के हेजिटेशन को, और इंस्टेड ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग द पोएट, और पोएट को ब्लेम करते हैं, और पोएट खुद को ब्लेम करते हैं कि हम उस लायक नहीं है कि हम आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सके। नहीं 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 नहीं, गॉड उनको ब्लेम नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मतलब ब्लेम करने के बदले उनको प्यार से समझाते हैं। इंस्टेड का मतलब क्या होता है? उसके बदले। हाँ, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। लव ऑब्जर्व करते हैं पोएट के हेजिटेशन को, और उसके बदले उनको समझा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग, इंस्टेड ऑफ मतलब कि डांटने के बजाय उनको समझा रहे हैं। इंग्लिश आप लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता है। लिखा हुआ कुछ है तो तुम समझ रहे हो, कुछ बताने पर भी समझ नहीं पा रहे हो। मैंने एक बार भी कहा क्या है कि भगवान को डांट रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैंने कहा क्या? नहीं ना, जो नहीं कहा गया उसको अपने मन से क्यों लगाते थे? पूरी पोएट्री मैंने हिंदी में बता दी है, अगर आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे। जब लेक्चर चलता रहता है तो नोट्स क्यों नहीं लिखते आप लोग? मैम लिखे हैं, बनाए हैं नोट्स। तो फिर क्या मैंने कभी कहा है कि उसको डांटा गया है या आलोचना की गई है या ब्लेम किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, सब ऐसा मैंने कहा क्या? मैम लव जो है वो पोएट को
पोएट की एजिटेशन को ऑब्जर्व करते हैं और उनको डांटने के बजाय, क्रिटिसाइज करने के बजाय उनको प्यार से समझाते हैं। बस वही बात है, तो तुम बोल रहे हो कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उलट पुलट नहीं होने का ना, जो चीज है उसको बोलो। और सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात है कि जब हिंदी में समझाई जा रही है तो नोट्स बनाया कीजिए, जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा आप नहीं याद रख पाइएगा। पढ़ के आइएगा मैम, एक क्लास नोट्स कैसे बनाते उस पे भी होना चाहिए। नोट्स बनाने की क्लास चाहिए तुमको? शॉर्ट हैंड राइट, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड शॉर्ट नोट। नो, मैं कितनी बार मैं हिंदी में बात की, मैंने कितनी बार पूछा है कि एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कुछ। जब आप हिंदी में कहानी बता रहे होते हैं तो उनको हिंदी में आपको लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में मैम, इंग्लिश क्लास हिंदी में कैसे लिखेंगे? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब मैंने कहा दिस पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन लव एंड गॉड, आप नोट में क्या लिखेंगे? वही चीज लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं ना, नहीं लिख पा रहे हैं आप, फिर से पूछिए, आई विल रिपीट अगेन। लेकिन चुपचाप से बैठे रहना, cannot take notes, you cannot learn. जो लोग लिख रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे सौरभ से हम पूछ रहे हैं, अब आप बताइए पूरी कहानी बताइए तो जरा। सौरभ बताइए, टेल मी। डिनर पे, बट ये क्या है कि मतलब अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ गलती किया, मैंने कुछ मिस्टेक्स किया, मैं वहां जाने के काबिल नहीं हूं। बट गॉड कहते हैं कि नहीं तुमने कोई गलती नहीं किया है, वो अपने मतलब पोलाइट वर्ड में वो बोल रहे हैं कि तुमने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि जो भी मैंने प्रोवाइड किया है वो सब मेरा ही दिया हुआ। ये दो लोग बोल रहे हैं कि गॉड उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसा क्रिटिसिज्म की बात यहां पर तो है नहीं। अब गॉड उनको बुला रहे हैं और वो बंदा नहीं जा रहा है, तो भगवान नाराज नहीं हो रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं ना, उनको ब्लेम कर रहे हैं, बदले में उसको उसको बजाय इसके डांटने के उसको समझा रहे हैं। आप जब तक इस बात को समझिएगा नहीं, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, मैं प्लीज समराइज, मैंने हिंदी में पहले मैंने कर दिया था, तो जो हिंदी में आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। जब तक ये नोट से लिखेंगे नहीं होगा। मैम नोट्स बना है। क्यों कहा आपने कि क्रिटिसाइज कर रहे? पूरी कहानी खत्म आपने उलट दी, पूरी कहानी की आप लोग एकदम धज्जी उड़ा देते हैं। चलिए कंटिन्यू विद द स्टोरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड आइएगा। Same poem. Yes.